हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर और ब्रेड का आसानी से बन जाने वाला टेस्टी सा और हेल्दी सा नाश्ता। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे पनीर। पनीर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और इसमें डाला है मैंने चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाले। फिर इसमें डाले चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद इसमें डाले नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाले हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप धनिया स्किप कर सकते हो। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा सा लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस उस टाइम नहीं है तो आप इसमें सॉस मेयोनीज वगैरह भी डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सॉस का इस्तेमाल जो है मैं वो ब्रेड पे करूँगी, लेकिन आप इसमें भी डालोगे फिर भी अच्छा लगेगा और बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद होता है ये। तो यहाँ पे लेमन जूस डाल दिया है मैंने और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप मिक्स कर रही हूँ मैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्रेड ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्रेड ले लूँगी और ब्रेड लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे सॉस फैलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सॉस डाल दिया है ब्रेड पे और इसको हम चम्मच की सहायता से पूरे ब्रेड पे सॉस को फैला देंगे। तो देखिए ब्रेड पे सॉस लग चुका है और इसे फैला देंगे। और आप चाहे तो सॉस का इस्तेमाल थोड़ा सा जो हमने वो बनाया है इसके फिलिंग्स उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए ये यहाँ पे फैला दिया है। अब हमने जो फिलिंग्स बनाई है पनीर की वो इसमें डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। तो इसको अच्छे से फैला देंगे। और हम क्या करेंगे, जो दूसरा ब्रेड लेंगे उस पर भी हम टोमेटो सॉस लगा देंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए ये मैंने फैला दिया है, अब इसके ऊपर हम एक और ब्रेड रख देंगे। तो ये देखिए एक और ब्रेड रख दिया है मैंने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, आप तवा ले सकते हो। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा नहीं है तो आप नॉनस्टिक पैन या नॉनस्टिक कोई भी बर्तन ले सकते हो और इस तरह से इस पर बटर तेल या घी जो भी आप चाहे वो फैला सकते हो। यहाँ पे मैंने घी स्प्रेड किया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जो हमने ब्रेड लिया था जिसमें फिलिंग्स डाली थी वो ब्रेड इस पर ले लेंगे और दोनों साइड से सेक लेंगे। तो पहले हम एक साइड से सेक लेते हैं और फिर ऊपर की साइड हम घी लगा देते हैं थोड़ा सा, जब तक कि नीचे की साइड से ये सिक जाता है। तो देखिए नीचे की साइड से सिक रहा है, तब तक मैं इस पर घी स्प्रेड कर देती हूँ ताकि जब हम इसे दूसरी साइड से सेकेंगे तो अच्छे से ये सिक जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे फैला दिया है घी। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो आप देख सकते हो पहली साइड से बहुत अच्छे से सिक चुका है ये, अब दूसरी साइड से भी इसे हम सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा हमारा जो पनीर और ब्रेड का नाश्ता है। तो देखिए ये सिक रहा है। अब हम इसे एक बार और फिर पलट कर देख लेते हैं कि ये सिका या नहीं, और ये सिक चुका है तो हमने इसे निकाल लिया है। अब हम दूसरा ब्रेड भी ऐसे ही सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा ब्रेड भी रख दिया है और इसके ऊपर भी घी लगा दिया है। सेम वैसे की वैसे ही प्रोसेस हमें करना है और दूसरी साइड से भी वैसे ही हमें सेक लेना है। तो आप देख सकते हो इधर भी हमने घी लगा दिया है और इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आने वाला नाश्ता है। आप इसे ब्रेकफास्ट और शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हो। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।